हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाई है एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। थोड़ा मैं आपके लिए एक सीन एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक बंदा है जो जॉब की तलाश में कहीं आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि मैं अपना खुद का गणितीय शोध करते आ रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे, यू कैन ऑल्सो सी आई हैव बीन कंडक्टिंग माई ओन मैथमेटिकल रिसर्चेस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आई एपोस्ट्रोफी वी ई, एक इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है। वाई डू वी यूज़ कॉन्ट्रैक्शन? जब हमें कोई वर्ड शॉर्ट करना होता है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्ट्रैक्शन इज यूज। नाउ एन ओल्ड मैन आंसरिंग टू द यंग वन, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, आप बेरोजगार हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे, यू हैव नो डिग्री, यू आर अनएम्प्लॉयबल। आप देख सकते हैं यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया गया है। हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें कोई वर्ड है या फ्रेज है जो हमें शॉर्ट करना होता है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आर यूज्ड। ओके, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यू हैव नो डिग्री, इसी तरह के सेंटेंस आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि यू हैव नो पेन, यू हैव नो होम, यू हैव नो बाइक, यू हैव नो कार्स। मैं आपको एक सिफारिश लिखूंगा, शायद कोई, एन ओल्ड मैन सेइंग टू द यंग वन, वो एक सिफारिश लिख के दे रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट ऑफरिंग अ जॉब, राइट? So, I will write you a recommendation, maybe someone. Recommendation यानी सिफारिश करना। उसके जवाब में ये कह रहा है, पूरे सम्मान के साथ, महोदय मेरे पास सिफारिश है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, with all due respect, अगर आपको किसी को कहना है पूरे सम्मान के साथ, तो उसे कहेंगे with all due respect, sir, I have recommendations, मेरे पास सिफारिश है। मुझे जो चाहिए वो एक नौकरी है। What I need is a job. What I need is a job. Short, he wants to say that he does not need recommendation. कृपया, मेरी एक पत्नी है, तुम लोग सब एक जैसे हो। An old man saying to the job seeker. वो कह रहा है, मेरी एक पत्नी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, I have a wife. I have a wife. तुम लोग सब एक जैसे हो। You people are all the same. You people are all the same. Now, as you can see, an old man got angry with him, with the job seeker. And वो कह रहा है अभी, अब निकलो, अभी. Now, get out. Now. पूर्ण हूँ, गैलीलियो की तरह. I am doomed like Galileo. Instead of doom, यहाँ एक और word आ सकता है. That is unfortunate. अनफॉर्चुनेट, मेरी भी मैं मरा, तुम्हें पता है। वो कह रहा है, कोई एक लड़का है जो गरीबी में मरा। इसे इंग्लिश में कहेंगे, ही डाइड इन पावर्टी। पावर्टी यानी गरीबी। यू नो, तुम्हें पता है, आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, आप उसे बदल नहीं सकते। इसे इंग्लिश में कहेंगे, वॉट एवर इज रिटन इन योर फेट, फेट यानी भाग्य, विल हैपन, वो होगा, यू कांट चेंज दैट, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मेरी किस्मत, मेरी पत्नी है जो मेरी माँ के साथ रहती है। देखिए, अगेन सेम वर्ड आया यहाँ, माई फेट इज टू हैव अ वाइफ हु लिव्स विद माई मदर। माई फेट इज टू हैव अ वाइफ हु लिव्स विद माई मदर। अभी के लिए यही अच्छा कर सकता हूँ। एंड इसे इंग्लिश में कहेंगे, इट्स द बेस्ट आई कुड डू फॉर नाउ। इट्स द बेस्ट आई कुड डू फॉर नाउ।